वृक्ष ही जीवन। जीवजगत बचाक हेले वृक्षर रही विशेष आवश्यकता। यह बार्ता नहीं विलुप्त हो जाता वृक्ष संग्रह करी निज फार्म लगाती और ए कलम्बी चारा करी अधिक गछ सृष्टि करिबा निशारे एबे पालटिछन्ती से वृक्ष मानव। यह व्यक्ति होउछन्ती भुवनेश्वर उपकंठ सिलोर ग्रामर प्रभास मंगराज। प्रभास कर पिलाटी दिन रु गछ लगाइबा ओ ताकु बंचाइबा निशा एबे प्रभास को देछि नूतन परिचय। एहा परे 1988 मसीहा रु विभिन्न मंदिर रास्ता पार्श्व स्कूल और कॉलेज परिसर रे प्राय 10,000 रु ऊर्ध गछ लगाइ एहा को बंचाइ रखि परिछन्ती प्रभास। निज फार्म रे 500 प्रकार रु ऊर्ध औषधीय वृक्ष फूल फल गछ रहिछि। विशेष करी स्टीवियर धनंतरी सर्पगंधा लेमन ग्रास पाताल गरुड़ कर्पूर तुलसी द्वारिका तुलसी परी 50 प्रकार वृक्ष रखिछन्ती प्रभास। सेहिपरी आंब लेंबू लिचु आपल पिजुली काशी बरकोली पिंक पणस परी विभिन्न प्रकार वृक्ष रखी एथरु अधिक चारा सृष्टि करी गछ लगांती। सेपरी 100 रु ऊर्ध प्रकार फूल गछ एही पार्क रे रखिछन्ती प्रभास। एहिपरी गोटिए आंब गछरु किभली 10 प्रकार आंब फळिबो सेने से प्रयास जारी रखिछन्ती। तेबे जलवायु परिवर्तन जोगु विलुप्त हो जाउथिबा गछ को रखिबा निशा नै एभली वृक्ष को भल पाई आसिछन्ती प्रभास। प्रभास मंगराज वृक्ष मानव बोली मते जानती मु विगत 1988 मसीहारु गछ लगाइबा आरंभ करछि। रास्ता कड़ मंदिर स्कूल कॉलेज आश्रम मठ बाड़ी ए जगह ए हो जो गछ लगाइबा मोर परिवेश गछ ही मोर परिचय। हाँ वृक्ष भी मोर टिके एबे विगत 20 वर्ष हम मोर एक्टिविटीज टिके बढ़ी जाइछि। आगुरु टिके कम थिला, आगुरु मु गछ पाई पारु नथिली, नर्सरी भी जानी पारु नथिली, नर्सरी आम पाखरे नथिला। सेतेबेले ओ पॉलिथिन निजे कलेक्ट करथिली, मंजी कलेक्ट करथिली गछ लगाइकी सेतेरे गछ तापर पुनी घरे पाखरे रखी बढ़ेकी अलग अलग जगह लगाउथिली। एबे जहा हो फरेस्ट डिपार्टमेंट रे गछ मिलुछि, विभिन्न नर्सरी मिलुछि, आ मु निजे भी पॉलिथिन पॉलिथिन पाई पारुछि, आकु फास्टे लगाइ पारुछि। आपण एठी केते भेराइटर गछ लगाइछन्ति? एठी किछि आज्ञा सेमदि तार किछि हिसाब नै। औषधीय गछ एठी गुडुमारी टू लगाइकि कर्णवट रुद्राक्ष कर्पूर तुलसी राम तुलसी ब्रह्मजष्टी एमति अनेक अछि। गुडुमारी आपणकर गया तुलसी आपणकर गिलोय ए सब बहुत प्रकार गछ अछि। गुडुमा जातीय आपणकर सर्पगंधा अश्वगंधा ए टाइपर बहुत अछि। फल फल आमर आंब अछि बहुत प्रकार, आभाकाडो अछि, काश्मीर आपेल बेर अछि, आपेल अछि, हरिमन 99 अछि, प्लस मोर पैशन फ्रुट्स अछि, पिजुली अछि, पिजुली तो भल भेराइटी रहउछि बहुत अछि, तापरे चेरी अछि, लेम्बू फैमिली रो बहुत अछि, कागज लेम्बू कमला लेम्बू बातापी आउ आपणकर मौसमी ए टाइप रो अछि, आउ अनेक अछि बहुत फल गुण अछि ए जगह रे। अच्छा ता भीतर फूल गछ कोन सब अछि? फूल गछ मोर किछि आमर एठिकार अछि, बाहर रे भी किछि अछि। एठी आपण देखन्थि ता फूल एटा अछि थाईलैंड रे गोटे मधुमालती अछि, बाहर रे बहुत फूल अछि, ऑर्किड्स अछि, गुरुदुर्लांग अछि, जिंजर लिली अछि, मंदार बहुत प्रकार अछि, मॉर्निंग ग्लोरी एठी आपणर फुटिछि, गोलाप अछि मो पाखे प्राय 150 वैरायटी रा गोलाप अछि, नागचंपा अछि, आउ आलमंड रे अछि, राधा तमाळ अछि, अनेक मल्ली बहुत 4-5 प्रकार रे अछि, बहुत प्रकार फूल अछि। बहुत कष्ट आज्ञा एगुडाक प्रकृत से लोक जानिब, जदि गोटे पिला किए पाळुछि से पिला को टिके हार्म हेले किछ कष्ट पहुँचिले माँ केमती हुए। जे प्रकृत वृक्ष पाई भल पाइबा थिबो आउ हृदय रे थिबो मु गछ को सम्मान करे, मु जानिछि गछ सहित मिसिले गछ कोन करे। जदि आपण माने के करछन देखंथु जानिबे से जिंस गछ उठे तले कटा जाउछि रास्ता कडरे बिना कारण रे आउ परिवेश ना रे गोटे गोटे बळी पकाउछन प्रकृति केटा नै। आमे चाहिले गछ बहुत रखि पारिबा, वर्तमान आमे तो गछ लगेबा ता सहित गछ संरक्षण पाई कि लागिबा दरकार। बहुत माने एबे आपण माने देखिथिबे रास्ता कडरे बहुत गछ कटाउछि। अच्छा जंगल भी माइन्स पाई कि बहुत जंगल भी कटा जाउछि। अच्छा घर पाई क्वार्टर पाई कि ए सब डेवलपड रे कंक्रीट जंगल पाई बहुत गछ कटा चलछि। मु चाहूछि जे एगुडा गछ कटा नहो आउ प्रकृत प्लानिंग रे प्रकृत योजना रे गछ लगा जाउ, रास्ता कडरे गछ न लगा जाउ बेटर। गवर्नमेंट टू जगह नै, गवर्नमेंट जदि अछि कोनो जंगल जगह हो श्मशान जगह हो जो जगह कि परे आउ किछि करिवार नै सेही जगह रे गछ लगाउ। कारण आमे जानुछु जो कष्ट रे आमे 2-5, 10-50 गछ लगाउछु ये गोटे राति रे गोटे दिन रे सब काटि चल जाउछन्ति। एटा कष्ट होछि प्लानिंग करि गछ लगा जाउ आ गछ रे आजिकालि केयर करा जाउ। आउ अन्य मानको पब्लिक कि एमान आपनको माध्यम रे मु अनुरोध करिम जो गछ कटा जाउछि गछ कटा रो प्रतिवाद करन्तु। कोठी भी होछि केही भी कटिछि आपन जंगल विभाग कोन्तु
ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗଛ କଟା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବାଦ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆଉ ଏକ ନିଶା ହେଉଛି ସିଡ୍ସ କଲେକ୍ସନ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ କରି ସେଥିରୁ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁଦିନିଆ କାମ। ଏହା ସହିତ ମାଟିରେ ସିଡ୍ସ ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପେ ଆପେ ଗଛ ବଢ଼ିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା କାମରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି, ମୋ ଘର ନୂଆପଡ଼ା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଧରୁଆ ଏଠି ରହିକି କାମ କରିଛି। ତାପରେ ଇଏ କଲମି କରିଛି, ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ସେପଟା ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କରିଛି। ତାପରେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗାଉଛି। ତାପରେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ସିଡ୍ ବଲ୍ ଇଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସିଡ୍ ବଲ୍ ବି ନିଜେ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ ସେ ସିଡ୍ ବଲ୍କୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛୁ ସେପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ଉଠିକି ଇଏ ସବୁ ଉଠୁଛି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କଲମି କରୁଛୁ, ତାପରେ ପିଜୁଳି ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ସେପଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲମି କରୁଛୁ, ଚାରା ଲଗାଉଛୁ, ଏସବୁ ଭଣ୍ଡା ସଜନା ଆପଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଉଛୁ। ତମେ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ମୋ ପରିବାର ଧରିକି ଭଲ କରି ଏଠି ଦରମା ପତ୍ର ସବୁ ମିଳୁଛି, ଛୁଆ 2ଟା ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ନିଶା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।